हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तंश क्रोशी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं मल्टी कलर्स में गाना जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो मैं ड्रेस बनाऊँगी, ये 0, 1 और 2 नंबर गाना जी के लिए बनाऊँगी। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको सभी साइजेस में गाना जी की ये ड्रेस कैसे बनानी है वो भी बताऊँगी। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैं बेस रखूँगी वो मैं वाइट कलर का रखूँगी। ये देखिए, ये मैंने चोली बना के रखी हुई है, इसी का ही मैं घेरा बनाऊँगी वाइट कलर से ही। तो हमारा ये मेन बेस वाइट कलर से होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से जिस भी साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं उतने साइज़ की हम चोली बना लेंगे। फ्रेंड्स, चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से 0 से लेके 5 नंबर तक चोली की वीडियोस देख सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने चोली बना ली। ये अभी मेरी ओपन ही है, मैंने इसको अभी बंद नहीं किया है। ये देखिए, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी चेन होगी, यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के इसे क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे। ये देखिए, 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने हैं। फिर से हम चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर से हम 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशे। इसी तरह लास्ट तक हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे चेन्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स आएंगे। ये देखिए, लास्ट में ये जो हमारा चेन स्पेस है, यहीं पे हम सिंगल क्रोशे बना ये स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारे चेन्स के ब्लॉक्स आ जाएंगे। इन्हीं में अब हमें अपना नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करना है। यहाँ से मैं 3 चेन लूँगी, ये मेरा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। सेम स्पेस में फिर से मैं डबल क्रोशे बना लूँगी। देखिए, 2 डबल क्रोशे हो गए, 1, 2 चेन लेंगे और सेम स्पेस में फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2। इस तरह से फिर से हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1, 2 डबल क्रोशे बनाए, 2 चेन ली और सेम स्पेस में फिर से हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। इसी तरह सभी चेन्स में हमें ये डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हम ये इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और फिर से सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे। ये देखिए, इस तरह ये हमारा डिज़ाइन आएगा। और लास्ट में जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे बनाया था, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्क हमें 2 चेन स्पेस में करना है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है, यहाँ पे भी हम 1 स्लिप स्टिच लगा लेंगे और चेन स्पेस में आके फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये 3 टाइम्स हमने स्लिप स्टिच लगाया है। ये देखिए, चेन स्पेस में आने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा ये भी हमारा। फिर से हम सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए, 1 चेन जो हमने ली थी ये, फिर उसके बाद 2 टाइम्स हो, तो ये टोटल 3 हो गए। फिर हम 1 चेन लेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। देखिए, ये पहले छोटा फैन स्टिच बना हमारा, अब ये तो उससे थोड़ा बड़ा बनेगा। 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे, बीच में हमें कोई भी चेन एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। फिर से हम सेम रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे, 1, 2 और ये 3। देखिए, इस तरह से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से 1
टू थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन और सेम स्पेस में फिर से हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे और ये राउंड हम ऐसे ही पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में हम फिर से फर्स्ट डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। फिर हम देखिए नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच लगाएंगे, इससे नेक्स्ट में भी, और ये देखिए फिर से चेन स्पेस में आएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से चेन में से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। थ्री चेन एज ए वन डबल क्रोशे, फिर से वन टू, फिर से हमने थ्री डबल क्रोशे बनाए। अब यहाँ पे हम चेन बढ़ा देंगे, यहाँ पे मैंने टू चेन कर दी, फर्स्ट में मैंने वन चेन की थी, अब इसमें मैंने टू चेन ले ली, वन टू थ्री डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री डबल क्रोशे, वन टू चेन, फिर से वन टू थ्री डबल क्रोशे। देखिए इस तरह से ये राउंड भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे अपना। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा थ्री राउंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स थ्री राउंड्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारा फोर्थ राउंड है उसके लिए चेन स्पेस तक हम स्लिप स्टिच लगाते हुए आएंगे। और ये जो हमारा चेन स्पेस है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हम थ्री चेन लेंगे। यहाँ मैंने बना लिया है इसलिए मैं आपको डबल क्रोशे ही बना के दिखाऊंगी। इसमें हम वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव डबल क्रोशे लेंगे। ये स्टार्टिंग में हम थ्री चेन जो लेंगे वो वन डबल क्रोशे काउंट होगा, फिर फोर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये टोटल हमने फाइव डबल क्रोशे कर लिए। इसके बाद वन टू थ्री चेन लेंगे और सेम स्पेस के अंदर हम फिर से फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। देखिए इस तरह से अब ये जो नेक्स्ट हम चेन स्पेस में बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे, उससे पहले ये देखिए दोनों फैंस के बीच में जो हमारे पास स्पेस है यहाँ पे हम वन डबल सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से ये देखिए जैसे मैंने सभी के बीच में बनाया है, फाइव डबल क्रोशे, फिर थ्री चेन, फिर फाइव डबल क्रोशे, फिर ये सिंगल क्रोशे, फिर फाइव डबल क्रोशे, थ्री चेन, फाइव डबल क्रोशे, फिर ये सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट फाइव चेन स्पेस में जाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशे लेंगे, वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फिर से थ्री चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन लेंगे, फिर सेम स्पेस में फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर और ये फाइव। फिर ये देखिए दोनों फैंस के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे और ये पूरा राउंड इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये जो फर्स्ट हमने चेन ली थी उसके ऊपर हम जैसे पहले करते आए हैं स्लिप स्टिच के साथ ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस राउंड के बाद ये हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आएगा। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड के लिए ये नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इससे नेक्स्ट चेन में भी, ये जितनी भी हमारे पास अब चेन्स हैं ये डबल क्रोशे वाली इनमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ये देखिए अब ये जो थ्री चेन स्पेस आएगा, ये देखिए ये जो थ्री चेन स्पेस है
इसके अंदर भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 सिंगल क्रोशे हमने इसके अंदर बना लिए। नेक्स्ट देखिए, फिर से ये जो चेन्स हैं हमारे पास, इन सभी में हम 1 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब ये देखिए, जो हमने नीचे सिंगल क्रोशे बनाया था, जो इस वाली चेन है, इसके अंदर हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सेम स्पेस के अंदर ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, ये देखिए 3, और ये 4, और ये 5, 5 डबल क्रोशे बनाए। और सेम स्पेस में यहाँ पे अब हम 1 चेन लेके सेम स्पेस में फिर से हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशे पे ये डिज़ाइन आएगा। और फिर से हम नेक्स्ट चेन्स में जाएंगे, सभी चेन्स में फिर से हम 1 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे और चेन स्पेस के अंदर हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से नेक्स्ट सभी चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशे, और जब ये सिंगल क्रोशे वाली चेन आएगी तो इसके अंदर हम 1 सिंगल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 1 चेन और फिर सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से सेम यही प्रोसीजर रिपीट करते हुए हम ये वाला डिज़ाइन अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये डिज़ाइन बनाने के बाद हम इस तरह से अब ये वाला अपना मल्टी कलर डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 बना लिए हैं, ये मैंने अलग अलग कलर्स में बनाए हैं। और ये हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये जो हमने सिंगल क्रोशे लिया था ये डिज़ाइन में, वहाँ पे अपना थ्रेड ज्वाइंट करेंगे, 1 चेन के साथ सिंगल क्रोशे के साथ अपना ये थ्रेड फिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे, और ये देखिए, अब इसे हम इस तरह आगे की तरफ करेंगे और ये इसको टर्न करके हम ये बैक साइड पे, जो हमारे नेक्स्ट हमने सिंगल क्रोशे लिया था, वहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। यानी कि देखिए, ये आगे की तरफ आ गया हमारा और ये चेन हमने पीछे की तरफ ज्वाइंट किया सिंगल क्रोशे के साथ, और फिर जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशे लास्ट बनाया था वहाँ पे पीछे की तरफ से ही हमने सिंगल क्रोशे के साथ ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये देखिए, इसी तरह से ये बैक साइड पे अब ये वर्क होगा हमारा। आप देख सकते हैं, ये बैक साइड है, ये हमारा आगे की तरफ चला जाएगा। अब ये चेन स्पेस के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, 3 डबल क्रोशे बनाए, 1 2 3 और ये 4, 4 चेन लेके 4 चेन का हम ये पिकोट स्टिच बनाएंगे। देखिए, ये ऊपर की तरफ 2 लूप्स दिखेंगे, इनके अंदर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह पिकोट स्टिच आ गया। अब फिर से हम ये एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम इसी के साथ ले लेंगे। अब सेम स्पेस में हम फिर से 4 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, इस तरह से ये हमने बैक साइड पे बनाया। अब हम इसे 1 चेन लेके टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब ये हमारा देखिए फ्रंट साइड आ गया, ये हमने बैक साइड पे चेन वर्क कर लिया। अब ये टर्न करके हमने ये फ्रंट साइड कर लिया। अब 1 चेन लेने के बाद ये देखिए, ये जो साइड में हमारा ये फैन स्टिच है, इसका जो ये फर्स्ट डबल क्रोशे है हमारा ये वाला, ये दोबारा देखिए, ये जो फैन स्टिच है इसका ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे आएगा हमारा, यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इस तरह बना लिया।
अब ये देखिए, इसे हमने, ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन आएगा, ये वाइट जो है ये बीच में आ जाएगा और ये इस तरह हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। देखिए अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो हमने सिंगल क्रोशे ये बनाया था स्टार्टिंग में, जो ज्वाइंट किया था वहाँ पे हम इस तरह से टाइट करके थोड़ा और स्लिप स्टिच लगा लेंगे, वन चेन लेंगे और यहाँ पे हम अपना धागा कट कर लेंगे। ये देखिए धागा कट करने के बाद ये हम फिर से बैक साइड जाएंगे और ये जो हमने थोड़ा लंबा धागा कट किया है इसे हम, ये देखिए, पीछे की तरफ निकाल लेंगे इस थ्रेड को हम, और एक दो बार इस तरह से हम ये नॉट लगा लेंगे जिससे हमारा ये थ्रेड यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। जो एक्स्ट्रा धागा है उसे भी हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। ये सभी मैंने इसी तरह से बनाए हैं, ये मल्टी कलर में बना लेंगे हम। ये देखिए, और आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। यूनिक डिज़ाइन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बनाने में भी बहुत सिंपल है, मज़ा आएगा आपको ये डिज़ाइन बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिज़ाइन जो साइड में बनाया है, ये मैंने बीच में भी इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए मैंने सभी बना लिए हैं, एक नहीं बनाए, ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये बीच में हमें किस तरह से डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच वाली जो फर्स्ट हमने रो बनाई है उससे नेक्स्ट जो हमारी रो है यहाँ पे, देखिए ये इस तरह से बीच में हम क्रोशिया डालेंगे। ये फैन स्टिच जो है इसके बीच में से हमें इस तरह क्रोशिया लेना है और यहाँ से हम पहले वाइट कलर से ये बीच वाला डिज़ाइन बनाएंगे, जो ये फ्लावर के बीच में इस तरह से लीफ आई है छोटी सी। ये देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड ज्वाइंट करके वन चेन ले ली। अब इसी के अंदर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, वन टू थ्री फोर। ये देखिए ये बहुत इजीली बन जाएगा, ये अच्छे से इसके अंदर से हमें निकाल के डबल क्रोशिया बनाना है और ये फाइव, फाइव डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे हम वन चेन लेंगे और सेम स्पेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे हमने ये यहाँ पे बनाया था, उसी तरह से हमें ये बनाना है और वन चेन लेके हम यहाँ पे ये वाला धागा अपना कट कर लेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन बनाने के बाद ये इस तरह से धागा कट करके ये हम बैक साइड पर अपने धागे को पीछे की तरफ निकाल लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाया था, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हम, हमें उसी तरीके से ही डिज़ाइन बनाने हैं। ये मैंने देखिए सभी डिज़ाइन बनाए हैं फ्रेंड्स। ये मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह से यहाँ पे बनाया है। ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमने ये, जहाँ से हमने वाइट कलर स्टार्ट किया था वहीं से हमने अपना थ्रेड डालना है, जो भी कलर आप यूज़ करेंगे, और ये इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे हम अपना थ्रेड। और ये जो पीछे की तरफ थ्रेड है इसे हम टाइट करेंगे तो ये इजीली यहाँ पे देखिए टाइट हो जाएगा। वन टू थ्री चेन लेंगे और इसी तरह जैसे हमने ये वाला बनाया था उसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। इसे हम नीचे की तरफ करते हुए ये बैक साइड पर ही, ये हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं, ये देखिए ये जहाँ पे हमने ये फिनिश किया है, ये देखिए यहाँ पे, और यहीं से ही हमें ये दूसरा थ्रेड लेके सिंगल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे हम थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री। अब ये देखिए जो हमारे पास चेन है ये हम बैक साइड पे वर्क कर रहे हैं,
जैसे पहले मैंने करके बताया था, अब यहाँ पे हम 1 2 3 थ्री डबल क्रोशे बनाए, ये चेन ली थी, ये टोटल 4 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे हम 4 चेन का पिकोट स्टिच बना लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन लेंगे। और ये देखिए जो लास्ट डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह से लूप दिखाई देंगे, वहाँ पे सिंगल क्रोशे बना के ये हम अपना पिकोट स्टिच बना लेंगे। तो सेम स्पेस में फिर से हम 4 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 1 चेन लेके अब इसे हम टर्न कर लेंगे। ये अब हमारा फ्रंट साइड आ गया, देखिए ये हमारा फ्रंट साइड आया है। देखिए जैसे मैंने ये यहाँ पे 7 वाले फैन स्टिच के अंदर से क्रोशिए लिए थे, यहाँ भी हम ये देखिए जो जहाँ पे हमने बनाया है उसके नीचे वाली रो में से हम डबल क्रोशे उठाएंगे। ये वाला डिज़ाइन हमने बीच वाली रो में बनाया था, अब इसके नीचे जो हमारा डबल क्रोशे है वहाँ पे हम अपने डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से 1 2 ये देखिए ये इस डबल क्रोशे में मैंने 6 डबल क्रोशे बना लिए जैसे यहाँ पे बनाए थे, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है अब यहीं पे इसे हम टाइट करके थ्रेड को इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के 1 चेन के साथ अपना थ्रेड कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह यहाँ पे भी हमारा ये कितना प्यारा सा एक फ्लावर लुक आया है। अब ये जो थ्रेड है इसे हम थोड़ा लंबा काटेंगे, यहाँ पे ये स्टेप ज़रूर करना पड़ेगा नहीं तो हमारी इसकी फ्लावर की शेप अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से इसके बिल्कुल नीचे वाली जगह से हम ये लंबा थ्रेड निकाल के यहाँ पे ये अपना नोट लगा लेंगे। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो ये यहाँ से हमारा लूज़ रह जाएगा, यहाँ से देखिए ये लूज़ रह जाएगा। अगर इसे इस तरह से बैक साइड पे थ्रेड ले जाके हम फिनिशिंग करेंगे तो ये हमारा फ्लावर का लुक काफ़ी अच्छा आएगा। मैं फिनिशिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद इस तरह से ये हमारे छोटे छोटे फ्लावर्स बनेंगे। ये मैंने दूसरे कलर से यहाँ पे चोली पे बाउंड्री बना ली है। अब हम अपनी लास्ट बाउंड्री यहाँ पे बनाएंगे, ये जो वाइट कलर से हमने ये देखिए फैन स्टिच बनाया था इसके ऊपर अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए कहीं से भी किसी भी डिज़ाइन से हम अपना ये थ्रेड यूज़ कर लेंगे। 1 चेन लेके यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे बना लूँगी। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 चेन लूँगी और नेक्स्ट स्पेस में जाऊँगी, फिर से सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 1 2 3 चेन लूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में जाऊँगी सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 1 2 3 चेन लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। फिर से नेक्स्ट चेन में जाऊँगी, फिर 1 2 3 चेन लूँगी, फिर से नेक्स्ट चेन में, फिर 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में जाऊँगी सिंगल क्रोशे, फिर से 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमें लास्ट तक ये अपना कंप्लीट करना है। ये यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट पे कैसे करना है ये बताती हूँ। ये देखिए ये इस तरह लास्ट तक कंप्लीट कर लेने के बाद सिंपल हमें इसमें 2 चेन लेनी है, 1 2 बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में चले जाएंगे, वहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, 1 2 3 नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। इसी तरह हम ये पूरी बाउंड्री अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहें तो इस पे बीट्स लगा सकते हैं या कुछ भी जो आपका मन करे, छोटे छोटे बीट्स या किसी भी तरह का आप आर्टिफिशियल कुछ भी लगा के ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी ड्रेस का।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक है। और ये देखिए, ये इस तरह से ये हमने जो डिज़ाइन बनाया है, इससे ये थोड़ा झालर में लुक आया है। बाउंड्री जो हमारी बनी है, ये देखिए थोड़ी सी झालर लुक में बनी है। और ये फ्लावर्स पे मैंने ये गोल्डन कलर के बीड्स लगा दिए हैं। और आप देख सकते हैं, ये ड्रेस मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, दिवाली फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, और कान्हा जी के लिए आप अपने हाथ से इस तरह से ड्रेसेस बना के कान्हा जी को पहनाएंगे तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा ही। और साथ ही कान्हा जी की ड्रेस कलेक्शन में एक और ड्रेस ऐड हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी कान्हा जी की ड्रेसेस के डिज़ाइन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ से कान्हा जी की ड्रेसेस देख सकती हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये ड्रेस वीडियो में इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन जो हमारा डिज़ाइन है ये बहुत यूनिक है और ये आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। आप बनाएंगे तो आपको खुद बहुत पसंद आएगी ये ड्रेस। मुझे खुद बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस बना के, मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।